नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी और खतरनाक खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत ने इस साल का सबसे बड़ा खेल खेल दिया है। चीन के पड़ोस में जाकर भारत ने चीन को धूल चटा दी है। साथ ही चीन और चीन के सैनिक सर पर हाथ धर के बैठे हैं कि अचानक से भारत ने ये क्या कर दिया है, क्योंकि दोस्तों भारत ने कारनामा ही कुछ ऐसा किया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारत की छवि दुनिया के सामने अलग बन गई है और आज भारत के साथ पूरी दुनिया जुड़ना चाहती है। हर कोई यहाँ आकर काम करना चाहता है। भारत हर एक क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया संग और भी बड़े देश अब भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करने में लगे हुए हैं। साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को, जो कि दूसरों की सीमाओं पर घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं, इन्हें भी मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। और अब इंडिया ने वियतनाम के साथ मिलकर जो काम किया है, उसे लेकर भी चीन की सांसें जरूर ऊपर नीचे हो रही होंगी। जी हां दोस्तों, भारत और वियतनाम ने एक समझौते को लेकर साइन किया है, जिसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की बढ़ती ताकत के बीच समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भारत और वियतनाम साथ आए हैं। जी हां दोस्तों, भारत अब वियतनाम का डिफेंस बेस इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही वियतनाम भी जरूरत पड़ने पर भारत का डिफेंस बेस यूज कर सकता है। दरअसल भारत और वियतनाम ने 8 जून को 2030 तक डिफेंस रिलेशन के दायरे को बड़ा आधार देने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। साथ ही भारत और वियतनाम ने दोनों देशों की सेनाओं को मदद करने, एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए एक रसद सहायता समझौते पर भी साइन किया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब वियतनाम ने किसी देश के साथ रसद समर्थन को लेकर समझौते पर साइन किया है। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद वियतनाम भारत से एक और घातक मिसाइल खरीदने जा रहा है, क्योंकि इस समय में चीन ने भी वियतनाम को काफी ज्यादा परेशान कर रखा है, जिससे तंग आकर वियतनाम भारत से और घातक मिसाइलें खरीदना चाहता है। वैसे आपकी क्या राय है इन सभी बातों पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।